मुझे खुद नहीं मालूम मैंने किस तरह निजात पाई। मुझे बाहर इसके साथ तुम लोगों की हमदर्दियाँ खत्म नहीं हुई। डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग, मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए? हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, भागो भागो, जल्दी करो, बस करो, भागो। तूफान तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो, चलो जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना। तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये, अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया।
यूसुफ। अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाह शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे, हरकत करें इस तरफ से, सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है, उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश के करीब। देखो जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास, अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी, अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूह जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ, मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटे को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे, काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था, मैं कसूरवार हूँ। काश मैं न भेजा होता, काश न भेजा होता। चलते रहो ध्यान से। रुको, सुनने दो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफला इस सिमत आ रहा है। लेकिन काफले वालों का गुजर यहां से कभी कभार ही हुआ करता है, ये सिर्फ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली, हाँ क्या हुआ? गल्ले को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। Thank you.
हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा। मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवा वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं, उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहाँ से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे, कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी रवाना होंगे। चलते रहे, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तुम मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूँगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूँगा। कर लेते हैं। पानी, इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझता ना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी है, सुना तुमने? क्या फायदा नमकीन। पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाज़ जानवर पी लें। उजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है।
कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले भारी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। के जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है, ये पानी शीरी है जनाब मालिक। पानी मीठा है जनाब मालिक, पानी मीठा है। ताज्जुब है, पानी मीठा है। ताज्जुब है, यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पा लो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा, मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ।
उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा, यही खुदाए रखता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना, वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादाए परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहां क्या कर रहे हो बरखुदा? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खत्ते का रहने वाला हूं, इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत पर खुदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा, मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? आखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं, मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके। इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरा कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे
بطور غلام فروخت کر دیجئے، میں راضی ہوں، بس مجھے یہاں سے لے چلیں۔ یہ غلام کا چہرہ تو نہیں ہے۔ خیر، اس کے باوجود ہم اسے چھپا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر اس کے عزیز و اقارب میں سے کوئی اس کا پوچھے تو انکار کر دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں تو تمہیں خاموش رہنا ہوگا اور ان صندوقوں میں سے ایک میں چھپنا ہوگا۔ راضی ہو؟ راضی ہوں۔ ہم میں سے کسی نے کوئی بچہ نہیں دیکھا، دیکھا ہے؟ کوئی بچہ نہیں دیکھا، کوئی بچہ نہیں دیکھا، بھلا اس بیابان میں بچہ کہاں سے آیا؟ پانی کا ذخیرہ کر لیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ کہیں رازن تو نہیں؟ نگہبان، ہمارا غلام ہمارے حوالے کر دو۔ کون سا غلام؟ وہی جسے کنویں سے باہر نکالا ہے، وہی جو وہاں پیچھے چھپ گیا ہے۔ تمہارا غلام کنویں میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کنویں میں کودا تھا، ہم نے نہیں ڈالا۔ اسے نکالا کیوں نہیں؟ ہم رسی لینے گئے ہوئے تھے وہاں اسے نکالنے کے لیے۔ بہرحال اب وہ ہمارا غلام ہے، اور کسی صورت بھی اگر وہ خود تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو اسے یہ حق حاصل ہی نہیں، غلام اپنے مالک کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ قبول کر لے کہ تم لوگوں کا غلام ہے تب؟ کیا مطلب؟ اگر وہ قبول نہ کرے تو؟ تم لوگوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، وہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ آپ چاہیں تو اس سے خود پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی یہی بتائے گا کہ ہمارا غلام ہے۔ ان سے مت ڈرو برخوردار، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بتاؤ، کیا واقعی تم ان کے غلام ہو؟ جھوٹ بولنا میری تربیت میں شامل نہیں۔ یہ لوگ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں، میری پرورش ان کے ساتھ ہی ہوئی ہے، یہی میرے مالک و مختار ہیں۔ دیکھا، کہا تھا نا وہ ہمارا غلام ہے۔ اس بچے کی باتیں زوم آنی ہیں، کھل کر بیان کرو، بتاؤ تم ان کے غلام ہو۔ یہ میرے بڑے اور صاحب اختیار ہیں۔ مجھے پھر بھی واضح جواب نہیں ملا، میں چاہوں تو یوسف کو تمہارے حوالے نہ کروں۔ ہم ہر حال میں اسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو پھر اس معاملے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دیکھ لینا، بچ کر تم لوگ بھی نہیں جا سکو گے۔ کیا واقعی صرف اس بھگوڑے غلام کی خاطر جان دینے لینے پر تیار ہو؟ ہاں بولو تو پھر تیار ہو۔ رک جاؤ شمون، جو گرا ہاتھ سے گولی جا سکتی ہے اس کے لیے دھاپ کیوں استعمال کریں؟ یوسف کی موت کا خواب دیکھ رہے ہو یہودا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا قصہ یہیں پر فاش نہ کر دوں تو بس کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم یوسف کو واپس لے جانے کے لیے اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو، بس کرو۔ فی الحال تو ہماری لگام تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن وقت آنے پر پورا حساب چکتا کر دوں گا۔ میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے۔ حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے سر پہ نظر کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟
अगर तुम खिदमत करने पर माइल नहीं हो तो हमें भी तुम जैसे भगोड़े और नाफरमान गुलाम की कोई जरूरत नहीं है। हम इसको बेचना चाहते हैं, आप इसे खरीदेंगे? क्या मैं आपके इरादे की अचानक तब्दीली की वजह जान सकता हूँ? कोई खास वजह नहीं है, हम थक गए इसके पीछे दौड़ दौड़ कर और मुसलसल इसकी तलाश करके। इसकी क्या कीमत लोगे? 1000 दिरहम, हालांकि इससे ज्यादा कीमत का है क्योंकि खूबसूरत और जहीन है। 1000 दिरहम, वो भी इस भगोड़े और नाफरमान गुलाम के लिए? नहीं, मैं इसकी इतनी कीमत नहीं दूंगा, यानी मेरे पास इतने हैं ही नहीं। जो कुछ था उसका सब माल तिजारत खरीद लिया। हमारा मकसद तो यूसुफ को बाबा से दूर करना है, खरीदो फरोख नहीं। तो इसमें क्या कबाहत है, मिलने वाले नफे से मुंह क्यों मोड़े? देखो यहूदा, या तो जो कुछ ये दे रहा है उसे कबूल कर लो, या यूसुफ को बाबा के पास वापस ले चलो। जल्दी फैसला करो। कितने दरहम है आपके पास? 18 सिक्के हैं। मैं जानता हूँ कि यूसुफ की कीमत के लिए काफी नहीं। हमने यूसुफ की कीमत पर नजर नहीं रखी। हाँ और क्या, हमारी पारसाई इससे कहीं बढ़कर है कि हम माले दुनिया पर हिर्स की निगाह रखते हों। आप देख रहे हैं कि हम अपने गुलाम की गिरा कीमती से सर पे नजर करते हुए कम कीमत पर भी इक्तफा कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारे इस तंज का मुंह तोड़ जवाब दूंगा। क्या हुआ, तुमने अपना गुलाम बेचना है या नहीं? बेचना है, अभी आपका है, लेकिन कुछ शराइत हैं। कैसी शराइत? पहली ये कि उसके हाथ बांध दो ताकि फरार ना हो जाए। दूसरी ये कि यहां से इसे बहुत दूर ले जाओ ताकि लौट के वापस ना आ सके। अगर फिर कभी तुम कनान में नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। हमारे पास इस गुलाम को खरीदने की सनद भी होनी चाहिए, वरना इसे कोई भी हमसे नहीं खरीदेगा। कोई एतराज नहीं। अली, चमड़ा और कलम लेकर आओ। परेशान मत होना, ये हमसे कहीं बेहतर हैं। तुम इनके साथ चले जाओ, यहां तुम्हारे लिए खतरा है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। यही खुदावंदे मताल का इरादा है कि मैं इस कारवां के हमरा जाऊं, लेकिन मैं तुम सब की तरफ से फिक्रमंद हूं। परवरदिगार तुम सब पर रहम करे, मैं तुम सब के लिए दुआ करूंगा। मेरी जुदाई के गम से बाबा को अजियत ना पहुंचे, उनकी दिलजोई करना। गुलाम की शख्सियत और उसकी फरोख्त की बाबत अपनी रजायत लिखकर दस्तखत कर दे। याद रहे कि सनद के आखिर में आप सबके बिलतरतीब नाम और मोहर लगी हुई होना चाहिए। लावी, बिन्यामीन का ख्याल रखना। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन ये हम पर शक करेंगे। अपना ख्याल रखना, परवरदिगार हमेशा तुम्हारे साथ है। खुद को उसके हवाले कर दो, वो आइंदा भी माजी की तरह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गुलाम के हाथ बांध दो, अगर भागा तो तुम कसूरवार होगे, और ये सनद भी संदूक में रख दो, चलने के लिए तैयार हो जाएं। चलें। रुको, पहले उन्हें तो जाने दो।
इस गिरिया और बेताबी की वजह क्या है? काश मैं अपने बेचने वालों से विदा कर सकता। किसी ने भी मुझसे विदा नहीं किया। अजूब है, मुझे तो उनमें तुमसे मेहर मोहब्बत के कोई आसार नजर नहीं आते, और एक तुम हो जिसे मैं मुसलसल उनके लिए फिक्रमंद देख रहा हूँ। ये कैसी वाबस्तगी है जो उनसे विदा होने के लिए बेकरार हो? अगरचे वो सब मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मुझे उनसे मोहब्बत है। माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आज के बाद तुम मेरे गुलाम हो और मेरे साथ ही रहना। गुलाम के मालिक हमारे पीछे तो नहीं आ रहे हैं? मालूम नहीं उनके रवैये में क्या मसलहत पोशीदा थी। कहां इस खामोशी और तेजी से आए, और एक गुलाम के खाते खूनरेजे के लिए भी तैयार हो गए, और कहां इतनी आसानी से उसी गुलाम से दस्तबरदार भी हो गए, और आसानी से उसे हमारे साथ जाने दिया। मुझे भी उनका रवैया कुछ समझ में नहीं आया। मुझे महसूस होता है जैसे यूसुफ की हालत ठीक नहीं है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं है। दिन ढलने को है, लेकिन याकूब अभी तक वैसे ही मुंतजर बैठे। अगर बच्चे कहीं से भी यूसुफ की कोई खबर ले आए तो याकूब को सुकून आ जाएगा। मुझे लगता है सारे किस्से में हम कसूरवार हैं। खुदा हमें बख्शे। हम यूसुफ से उसकी सरवरी बर्तरी छीनना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। याकूब कभी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन यूसुफ मारा गया। भेड़ियों ने हमला किया और भेड़ों को चीर फाड़ डाला। तुम क्या कर रहे थे, मर गए थे क्या? भेड़ियों की तादाद ज्यादा थी और मैं अकेला था। हर तरफ से हमला कर रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज तक किसी भेड़िए ने भी हमारी भेड़ों को नहीं खाया था, इस बार क्या हुआ? आज के बाद खाएंगे। अब हमें मजीद मुसीबतों और बलाओं के लिए मुंतजर रहना होगा। जब भेड़िए की मानिंद अपने ही भाई पर हमला करेंगे तो खुद पर भेड़ियों के हमलों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी तो आगाज है मुसीबतों का। मैं तुम्हें बर्दाश्त करते करते थक चुका हूँ। तुम पलटा रहे हो, हमारे भाई की मुसीबत का बाइस बना। खुदा तुझे गारत करे नामी। नहीं शमून, Yeah.
जाए। वो इब्रानी भाग क्या है, रुक जाए। यूसुफ को तो नहीं देखा, इब्रानी बच्चे के बारे में कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, वो तुम्हारे साथ ही था। था तो मेरे साथ, मगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें इससे क्या मतलब? फली ने उसे मेरे सपोर्ट किया था, अगर कहीं गुम हो गया या फरार हो गया मुझे सख्त सजा मिलेगी।